बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आल जॉब्स इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज जो नई जो है ना एडिशनल सेशन जज की हाई कोर्ट में सीट्स आई हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो से जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकान पर प्रेस करें ताकि मजीद जितनी भी वीडियो से रिलेटेड नई जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ मैं डालूंगा वो आप तक पहुँच सकें। फिल वक्त जो है ना ये सब्सक्राइब करके बेल के आइकान को दबाना ना भूलिएगा ताकि क्योंकि जितनी भी अपडेट हों वो आप तक फिल फॉर पहुँच सकें बिला किसी ताखीर के। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें जी, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है ना ये जॉब्स आई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये जॉब्स हैं, एप्लीकेशन आर इमेटेड फ्रॉम कैंडिडेट डोमिसाइल इन पंजाब प्रोसेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द पंजाब जुडिशियल सर्विस रूल 1994 फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज BPS 20 ऑन टेम्प्रेरी likely to be become permanent। qualification kya hai, an advocate who possess a degree in law from a recognized university entitle him her to practice the possess position of law, so member of the faculty of the advocate of Scotland। to niche jo diya gaya wo keh rahe hain ki to takriban jo na 10 saal 10 year jo na usne practice kiye hue iske liye to wo jo na wo lawyers eligible hain। age ke liye jo na not less than मतलब 35 साल से नीचे ना हो, 45 साल से ज़्यादा ना हो, 25 फरवरी 2020 तक पे जो है ना BPS 20 की प्लस एडमिशन अलाउंस जो है ना BPS पे जो 20 है उसकी पे और जो एडमिशन अलाउंस है वो उसको मिलेंगे। जो 3% कोटा है वो जो है ना डिसेबल पर्सन के लिए है और बाकी जो है ना ओपन मेरिट पे हैं। बाकी जो इसका जो नीचे है जो सिलेबस कौन कौन सा होगा, ये जो एक टोटल होंगे 8 पेपर होंगे और नवा इंटरव्यू होगा। 100 नंबर की 8 पेपर होंगे, 800 नंबर का ये होगा। क्रिमिनल लॉ है फर्स्ट, क्रिमिनल लॉ सेकेंड, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और कंस्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। इंग्लिश जो है इंग्लिश के जो है 100 नंबर, उर्दू के 100 नंबर, जनरल नॉलेज के 100 नंबर, 800 ऐसे हो गए ये तमाम मिला के 800, 300 नंबर होंगे इंटरव्यू के। ये तो टोटल जो है ना डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये आप लोगों को पास करना होगा। और ये नीचे जो है ना सारी इनकी डिटेल दी गई कि क्रिमिनल लॉ में कौन कौन सी चीज़ें होंगी और क्रिमिनल लॉ सेकंड में कौन सी, सिविल लॉ में और सिविल लॉ 2 में कौन सी होंगी। उसके बाद इंग्लिश में इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर कम्प्रीहेंसिव इंग्लिश ऐसे, उर्दू लिटरेचर ग्रामर कम्प्रीहेंसिव उर्दू ऐसे, जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लाम और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आप जो है ना इसकी तैयारी जो है ना मुकम्मल शुरू कर दें ताकि ये बहुत ही टफ जो है ना कंपटीशन होने वाला है। तो आप इसको जो है ना एग्ज़ाम्स विल बी कंसर्न इन जो है ना 2 अप्रैल 2020 को इसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये आपके लिए पास बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है, आप इसको जो है ना जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो पासिंग मार्क्स होंगे वो उसमें से जो है ना तकरीबन 40% जो है ना सब में और इसका जो एवरेज बनेगा एवरेज जो है ना होगा वो होगा 50%। जो जिनके 50% मार्क्स होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये देखें जी, ये इंटरव्यू जो है ना फिर होगा उसके बाद जो है ना, और ये नीचे टोटल इसकी डिटेल दी गई है। मैं ये इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप तमाम लोग इस लिंक को जाके स्टडी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।